1971 में आज ही के दिन बांग्लादेश का एक आजाद देश के रूप में जन्म हुआ था। साल 1947 में मिली आजादी के बाद पाकिस्तान ने दो हिस्सों में जन्म लिया, एक हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान जो ज्यादा समृद्ध था और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान जो राजनीतिक रूप से ज्यादा हावी था। पश्चिमी पाकिस्तान में सिंध, पठान, बलोच और मुहाजिरों की ज्यादा तादाद थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली बोलने वाले थे। देश की राजनीति में पूर्वी पाकिस्तान का ज्यादा दखल नहीं था। वहां के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने आवामी लीग का गठन किया और 1970 में भारी मतों से जीत हासिल की। संसद में बहुमत हासिल करने के बाद भी उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की बजाय जेल में डाल दिया गया और यहीं से पाकिस्तान के विभाजन की नींव पड़ी। 26 मार्च से शुरू हुए इस संघर्ष में खून की नदियां बहीं, हजारों बलात्कार हुए और लाखों लोगों को पड़ोसी देश भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत को बांग्लादेशियों के अनुरोध पर हस्तक्षेप करना पड़ा और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के दमन के खिलाफ साल 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध करके उसे पीछे लौटने पर विवश कर दिया। 1984 में आज ही के दिन मिखाइल गोर्बाचोव की ब्रिटेन यात्रा को सफल करार दिया गया था। सोवियत संघ के भावी नेता के तौर पर बताए जाने वाले मिखाइल ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के साथ 5 घंटे तक लंबी बातचीत की। हालांकि सोवियत संघ ने इस बातचीत की भूमिका थोड़ा कम आंकते हुए इसे काम के सिलसिले वाला करार दिया था। प्रधानमंत्री थैचर के निवास चेकर्स पर हुई इस लंबी बातचीत में शस्त्रों की होड़ को खत्म करने से लेकर पूर्वी और पश्चिमी खेमों में सूचना के बेहतर आदान प्रदान पर भी बातचीत हुई थी। मुलाकात से एक दिन पहले लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरे मिखाइल गोर्बाचोव ने इस बात का जिक्र पहले ही कर दिया था कि वह तनाव खत्म करने वाली एक मुहिम पर आए हैं। 1937 में आज ही के दिन भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज हवा सिंह का जन्म हुआ था। हवा सिंह ने वर्षों तक मुक्केबाजी के खेल को नई दिशा दी और देश का नाम रोशन किया। उन्होंने पहले बॉक्सर के रूप में देश की सेवा की और आखिर तक खेल से जुड़े रहे। माना जाता है कि रिंग में उनका मुकाबला करने का दमखम किसी में नहीं था। उन्हें पहली सफलता एशियाई स्तर पर 1966 में बैंकॉक एशियाई खेलों में मिली, जब उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। दूसरी बार 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में हवा सिंह ने दोबारा अपनी सफलता को दोहराया और स्वर्ण पदक हासिल किया। उनके इन दो स्वर्ण पदकों की वजह से भारतीय बॉक्सिंग में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। माना जाता है कि आज तक बॉक्सिंग में इतनी सफलता कोई दूसरा खिलाड़ी हासिल नहीं कर सका है। साल 1966 में हवा सिंह को अर्जुन पुरस्कार दिया गया और साल 1968 में थल सेना अध्यक्ष द्वारा उन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की ट्रॉफी दी गई। इसके साथ ही साल 1999 में हवा सिंह के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार घोषित किया गया। 1955 में आज ही के दिन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने लंदन के मशहूर हवाई अड्डे की कई प्रमुख इमारतों का उद्घाटन किया था। इन इमारतों का निर्माण लंदन हवाई अड्डे पर निरंतर बढ़ती भीड़ और हवाई यातायात के मद्देनजर किया गया था। महारानी एलिजाबेथ अपने पति ड्यूक ऑफ एडिनबरा के साथ हवाई अड्डे पर पहुंची और उनके सम्मान में ब्रिटेन की एयरलाइन के कर्मचारियों ने सलामी दी थी। इन नई इमारतों का नाम तब उजागर हुआ जब खुद महारानी ने इसका उद्घाटन किया। इन इमारतों का द क्वींस बिल्डिंग नाम रखा गया था। ब्रिटेन की महारानी ने इस मौके पर ब्रितानी वायुसेना की पोशाक वाला एक कोट पहन रखा था और अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि आज का दिन लंदन हवाई अड्डे के इतिहास में शायद सबसे अहम रहने वाला है। इसके कुछ सालों बाद लंदन हवाई अड्डे का नाम हीथ्रो हवाई अड्डा रखा गया और फिलहाल इसे दुनिया के सबसे ज्यादा व्यस्त हवाई अड्डों में गिना जाता है। 1994 में आज ही के दिन पलाऊ संयुक्त राष्ट्र का 185वां देश बना था। पलाऊ एक बहुदलीय लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसकी राजधानी गेरुलमुड है। भौगोलिक दृष्टि से यह माइक्रोनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है जहां की आबादी करीब 21,000 है। साल 1947 में यह अमेरिका द्वारा प्रशासित ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ पैसिफिक आइलैंड्स का हिस्सा बन गया था, लेकिन माइक्रोएशिया के साथ संघबद्ध होने से मना करने के बाद यह 1994 में अमेरिका से संबद्ध पूर्ण संप्रभुता वाला देश बन गया। इस कारण अमेरिका इसे रक्षा, वित्त एवं सामाजिक सेवाओं में सहयोग करता है। पलाऊ दुनिया का पहला देश है जिसने 1981 में परमाणु मुक्त संविधान अपनाया था। वहां रासायनिक, जैविक एवं परमाणु हथियारों के प्रयोग, भंडारण एवं बिक्री पर प्रतिबंध है। और 2014 में पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 150 लोग मारे गए थे जिनमें से अधिकांश बच्चे थे। इस हमले में स्कूल के दरवाजे से दाखिल होते ही आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। मेजर जनरल असीम बाजवा के मुताबिक आतंकी किसी को हॉस्टेज नहीं बनाना चाहते थे, वो तो बस फायरिंग करते गए ताकि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां खत्म की जा सकें। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली थी। इस हमले को अंजाम देने के बाद आतंकियों ने कहा कि हमने आर्मी से बदला लेने के लिए आर्मी स्कूल में हमला किया, क्योंकि आर्मी हमारे परिवारों को निशाना बनाती है, अब उन्हें हमारे दर्द का एहसास होगा।
हमला करने वाले 7 आतंकी आर्मी के ऑपरेशन के दौरान मारे गए और बाकी 2 दोषियों को कोहाट केंद्रीय कारागार में फांसी दे दी गई।